नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल ज्योग्राफी के लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम गर्म व ठंडी जलधाराएं पढ़ेंगे और जलमंडल और महत्वपूर्ण जलवायु जो कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 5 है और ये RRB NTPC रेलवे ग्रुप डी 10+2 CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको इससे पहले के भाग देखने हैं तो हमारे चैनल सेल्फ स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहां पर अन्य टॉपिक पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है भूगोल का पार्ट 5, शीतोष्ण चक्रवात कटिबंध। दोस्तों, ये 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के आकार में बड़े होते हैं। इन चक्रवातों को की उत्पत्ति गर्म आर्द्र व हल्की पछुआ पवनों तथा अत्यधिक ठंडी तथा भारी ध्रुवीय हवाओं से मिलने से होती है। दोस्तों, इसमें कुछ ये नोट है, इस चक्रवात में वाताग्र बनता है, यह हमें ध्यान रखना है। फिर आता है प्रतिचक्रवात, इसमें हवाएं बाहर की ओर चलती है। और दोस्तों, इसमें आगे है चक्रवातों के विपरीत प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। इसमें जो हवाओं की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी। सामान्यतः उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब क्षेत्रों में बनते हैं, शांत व वर्षा विहीन मौसम से संबंधित होता है, इसमें वर्षा नहीं होती। फिर आता है भूमध्य सागरीय जलवायु, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। सर्दियों में बारिश होती है 40 से 80 सेंटीमीटर तक। इसमें आगे देखते हैं, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और जो भी खट्टे तथा रसदार फल होते हैं वो यहीं पर मिलते हैं, जैसे संतरा, अंगूर और नींबू। मध्य प्रकार का तापमान देखा जाता है। इसका जो अक्षेत्र है वो है दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया USA, मिड चिली, केप टाउन साउथ अफ्रीका। फिर आता है चीन तुल्य जलवायु, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में, इसमें वर्ष भर वर्षा होती रहती है। इसमें चौड़े पत्ते वाले वन पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो क्षेत्र है चीन, जापान, कोरिया, पूर्वी USA और दक्षिण ब्राज़ील। फिर आता है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, इसे देखते हैं, ये 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। इसमें भी वर्ष भर वर्षा होती है और इसमें भी पत्ते चौड़े पाए जाते हैं। इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी कनाडा, दक्षिण पश्चिम चिली। फिर आता है टैंगा जलवायु, इसे साइबेरियन प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और 45 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। और कोणधारी नुकीले पत्तों वाले वन पाए जाते हैं, इसका क्षेत्र है रूस, कनाडा और अलास्का। फिर आता है टुंड्रा जलवायु, इसमें अत्यधिक ठंड होती है। इसका जो क्षेत्र है ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी भाग रूस और कनाडा का। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोट है, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पत्ती छोटी होती है, ये हमें ध्यान रखना है, और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ की पत्ती बड़ी होती है। आगे देखते हैं, आगे आपका आ जाता है जलमंडल, महासागरीय नीतल। महासागरीय नीतल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है महाद्वीपीय निम्न तट। महासागरीय नीतल के 7% भाग पर विस्तृत प्रमुख मत्स्य केंद्र यहीं पर मिलते हैं, जैसे ग्रैंड बैंक कनाडा, जोजर्स बैंक USA और फंडी की घाटी के पास है ये जोजर्स बैंक, और डोगर बैंक उत्तरी सागर। दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर का आ जाता है आपका महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय निगमन तट व गहन सागरीय मैदान के मध्य तिरु ढाल है। फिर आता है तीसरे नंबर का गहन सागरीय मैदान, महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत भाग। इस पर ज्वालामुखी पर्वत, कटक, गर्त तथा गुयात आदि पाए जाते हैं। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो सबसे गहरी गर्त है वो मरियाना गर्त है। दोस्तों, इसकी जो गहराई है वो है 110,033 मीटर गहरी, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत गुयात है, ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है महासागरीय जलधाराएं, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और SSC रेलवे के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर जलधारा, उत्तरी विश्व स्तरीय जलधारा, ये गर्म होती है दोस्तों, इसमें गर्म और ठंडी ध्यान रखनी है, यही पूछी जाती है। एटलीज जलधारा ये गर्म है, कैरबियन समुद्री की ओर बहती है। फिर आता है आपका गल्फ जलधारा, ये भी गर्म है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। फिर आगे आती है आपकी इर्मिगर जलधारा, ये भी गर्म है, यूरोप के निकट। फिर नॉर्वे जलधारा, ये भी गर्मी जलधारा है। और दोस्तों इसमें एक नोट है, गल्फ और नॉर्वे जलधारा के कारण ही रूस के बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं। और ये कुछ नोट है, कृत्रिम वर्षा दोस्तों सिल्वर आयोडीन के कारण होती है। गल्फ जलधारा और नॉर्वे जलधारा को नॉर्वे का कंबल कहते हैं। कैनारी की जलधारा अफ्रीका के वेस्टर्न कास्ट में बहती है। लेब्राडोर जलधारा ठंडी होती है, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। आगे आपकी आती है दक्षिण अटलांटिक महासागरीय जलधारा, दोस्तों इसमें दक्षिण अटलांटिक महासागर गर्म होती है और ब्राजीलियन महासागर भी गर्म होता है और बंगालिया महासागर ठंडी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। और फिर आपका आता है उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, इसमें कुरियोशियो जलधारा गर्म होती है, तुशीमा जलधारा ये भी गर्म है, और अलास्का जलधारा ये भी गर्म है, और कुरील जलधारा ये ठंडी है। दोस्तों गर्म और ठंडी ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये पूछी गई है कि गर्म जलधारा कौन सी है और ठंडी कौन सी है, इसीलिए ये गर्म और ठंडी का इसमें बताया गया है। आगे आपका आता है कैलिफोर्निया जलधारा, ये भी ठंडी है। फिर दक्षिण प्रशांत महासागरीय जलधारा, इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये भी गर्म है। हम्बोल्ट जलधारा ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ठंडी जलधारा है, ये ध्यान रखना है। फिर आती है इलनीलो जलधारा, ये भी गर्म है। फिर आपका आता है हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराएं मानसूनी हवाओं के अनुरूप चलती है। गर्मी के समय में मानसूनी हवाएं चलती है और सर्दियों के समय में मानसूनी हवाएं चलती है और गर्म होती है। मोजाम्बिम्बा जलधारा ये गर्म है, ध्यान रखना है। ओजलास जलधारा दक्षिण अफ्रीका के तटीय पूर्वी में बहती है और ये गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये भी गर्म जलधारा है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की कोई भी नई अपडेट दे दें। और दोस्तों यदि आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है या पहले के भाग या किसी अन्य टॉपिक पर देखने हैं तो आप हमारे चैनल सेल्फ स्टडी पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।